नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी के लिए शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास टू एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क। आइए सर्दी की छुट्टियों को मज़ेदार बनाएं। यहाँ पर हमें छुट्टियों के लिए जब होमवर्क देना है तो कुछ चैप्टर्स को कवर करना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये होमवर्क हमारा एक्टिविटी बेस्ड हो। सब्जेक्ट इंग्लिश में देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। यहाँ पर है लिटिल बर्ड, फेयर, ए फेयर, माई हाउस। ये तीन चैप्टर हमें इन छुट्टियों में कवर करने हैं और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। आप सेम एक्टिविटीज़ बच्चों को भेज सकते हैं या इसी तरह की अन्य गतिविधियाँ भी बच्चों को दे सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है आस्क स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ पैरेट एंड कलर इट। सेकेंड इज आस्क स्टूडेंट टू लुक एट द पेज नंबर 61 एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स शोन इन द पिक्चर्स। बुक के 61 पेज को देखने के लिए कहें और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उस पेज पर दिखाई गई हैं उनका नाम लिखने के लिए बोलें। और नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ अ हाउस एंड कलर इट। इससे रिलेटेड आप अन्य गतिविधियाँ भी बच्चों को भेज सकते हैं। इन चैप्टर्स के द्वारा हमें कॉम्पिटेंसीज इन फोकस जो हैं, हमारी कॉम्पिटेंसीज जो हमें ध्यान रखनी है वो हैं, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पोंड टू सिंपल 2-3 स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स कैन सिंग सॉन्ग्स और राइम्स विद एक्शन। स्टूडेंट्स कैन एसोसिएट सिंपल फेमिलियर वर्ड्स विद पिक्चर्स। स्टूडेंट कैन स्पीक अ फ्यू लाइन्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हर सेल्फ इन सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग आई एम, आई लाइक, आई डोंट लाइक। बच्चे को ये इन जैसे सेंटेंस बोलने आने चाहिए। और नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है स्टूडेंट्स कैन आंसर सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रेड 1, अप्रोप्रिएट स्टोरीज टोल्ड ओरली और थ्रू पिक्चर्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें हमें कवर करना है चैप्टर स्वच्छता पसंद बापू और आसमान गिरा। इसमें एक्टिविटीज़ है आपकी बात शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, पाठ के शब्दार्थ लिख कर लाना, पाठ से अलग 5 नई पहेलियाँ लिख कर लाना, वर्ग पहेली तैयार करना जिसमें आप द्वारा बनाई गई पहेलियों के उत्तर लिखे हों। और नेक्स्ट है चूहिया का विवाह कहानी को पढ़कर समझना व अपने शब्दों में कक्षा में सुनाना। और इन गतिविधियों के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंसीज हैं हमें ध्यान रखनी हैं वो हैं, विद्यार्थी अपने बारे में और अपने आसपास के परिवेश की चीज़ों के बारे में 3-4 वाक्य बोल सकते हैं और उसके बारे में सरल प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। घर की भाषा में यानी कि अपनी मातृभाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी अपना एवं अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं तथा सुनी गई कहानी, कविता, घटना, पात्र के चित्र तथा परिवेश की चीज़ों के चित्र बनाकर उनमें रंग भर सकते हैं और देखकर उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी 7-8 पंक्तियों की छोटी कहानी को सुनकर समझ सकते हैं और उसे घर की भाषा हिंदी में अपने शब्दों में बता सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी घर की भाषा और हिंदी भाषा में अपने बारे में और अपने आसपास की चीज़ों तथा परिचित चित्रों के बारे में 5-7 वाक्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी 2-3-4 अक्षरों वाले कठिन शब्द एवं संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है विद्यार्थी सुनी, देखी और पढ़ी गई कहानी, कविता एवं किसी चित्र या संदर्भ में संबंधित बातों के बारे में अपने शब्दों में 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और इसमें चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, दिन और महीने, लेना और देना, कितनी माला कितने फूल। इसमें एक्टिविटीज़ हैं गणित लिखना, लगातार 5 दिन पहले दिन 1 अंक जोड़कर, दूसरे दिन 2 अंक जोड़कर, ऐसे ही 5 दिन तक, उदाहरण के लिए 1-3-5-7। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं या इससे संबंधित दूसरी गतिविधियां भी आप बच्चों को भेज सकते हैं। इसी
इन सब के द्वारा हमें जो कॉम्पिटेंसीज फोकस में रखनी है वो हैं विद्यार्थी पहले बाद में जैसे आगे शब्दों के प्रयोग के आधार पर या घटनाओं को क्रम में लगा सकते हैं तथा एक घटना में घटित होने में लगे समय का कम या ज़्यादा के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। और नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है विद्यार्थी 50 तक के मान वाली मुद्रा को पहचान सकते हैं व सिक्कों की मदद से 9 तक जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप इस पीडीएफ से भी होमवर्क भेजने के लिए सहायता ले सकते हैं और इस पीडीएफ का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को आसानी से भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।